नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का चैनल के रीसेंट वीडियो में। आप सभी ने नागपुर का एक एक्सीडेंट देखा होगा जिसमें एक हाई स्पीड ऑडी Q8 अनकंट्रोल होकर कुछ लोगों को टक्कर मार देती है। उस वीडियो में एक भाई ने कमेंट किया था कि सिर्फ पैसे वाले या फिर पावरफुल लोगों को टारगेट मत करो, रैश ड्राइविंग और हाई स्पीडिंग सभी तरह के लोग करते हैं। जिनके पास स्कॉर्पियो होती है, फॉर्च्यूनर होती है, थार होती है या फिर कोई भी छोटी गाड़ी होती है, उसको वो हाई स्पीड में चलाते हैं और दूसरों को नुकसान पहुँचाते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, एक्सीडेंट्स सभी तरह के लोगों से होता है और गलतियां सभी करते हैं। हालांकि इस वीडियो में इस चीज़ को हाईलाइट करने का रीज़न सिर्फ इतना था कि आप सभी ने देखा होगा जो पैसे वाले या फिर पावरफुल लोग होते हैं वो एक्सीडेंट करने के बाद भी बहुत ही आराम से बच जाते हैं, और इन लोगों के लिए नियम कानून बराबर नहीं होता है। कभी भी ये लोग पैसे देकर आराम से निकल सकते हैं, और इसके कई सारे एग्जाम्पल्स आपने रिसेंट में ही देखे होंगे, तो इसी चीज़ को वहाँ पर हाईलाइट किया गया था। बाकी ये बिल्कुल सही है कि गलतियाँ सभी तरह के लोगों से होती हैं, और ये चीज़ आपको आज के इन दो वीडियोस में भी दिख जाएगा। ये एक्सीडेंट रिसेंटली उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक भाई ने शेयर किया है जो रिसेंटली महिंद्रा थार और एक बाइक के बीच में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक रात के करीब 11:30 बजे के आसपास बाइक से एक लड़का अपने बहन के बर्थडे के दिन केक खरीदने के लिए जा रहा था। तभी फब्बारा चौक के पास एक कट पर टर्न लेते समय दिल्ली रोड से आ रही एक महिंद्रा थार ने अनकंट्रोल होकर बाइक को टक्कर मार दिया, जिसके बाद बाइक राइडर उछलकर सड़क पर गिर गया और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। वीडियो में आप देख सकते हैं ये सिटी के अंदर वाली रोड है और इस रोड की स्पीड लिमिट 40 से 50 के ऊपर नहीं होगी, लेकिन थार को यहाँ पर काफी ज्यादा हाई स्पीड में चलाया जा रहा था, इसलिए इस गाड़ी को टाइमली कंट्रोल नहीं किया जा सका और एक्सीडेंट हो गया। बाकी जैसा कि रात का समय था और इस टाइम पर रोड्स खाली होती हैं, इसलिए लोग और भी ज़्यादा हाई स्पीड में ड्राइविंग करते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा ऐसे खाली रोड्स पर इन गाड़ियों को 100 से 120 किलोमीटर पर आर की स्पीड में दौड़ाया जाता है। अब ऐसे सिचुएशन में कोई अगर सामने कट को क्रॉस कर रहा होगा तो कैसे ड्राइवर गाड़ी को कंट्रोल करके उसको बचा पाएगा? और कट पर तो वैसे भी गाड़ियों की स्पीड कम रहनी चाहिए, लेकिन इन भाई लोगों को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको अगर हाई स्पीड में गाड़ी चलाना है तो ये चलाएंगे, फिर इसमें किसी की जान जाती है या कुछ भी होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी गाड़ियों का डैमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंपैक्ट से थार का बोनेट और बम्पर डैमेज हो गया है और इसका विंडशील्ड भी डैमेज हो गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि राइडर उछलकर सीधा इसके विंडशील्ड में लड़े हैं, उसके बाद सड़क पर गिरे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब आप बाइक को देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये टक्कर कितना ज़्यादा ज़बरदस्त हुआ है। यहाँ पर बाइक का फ्रंट बुरी तरह से डैमेज हो गया है और इसका पहिया वहिया भी टूट कर अलग हो गया है। तो भाई यहाँ पर जो भी हुआ काफ़ी बुरा हुआ। हालांकि एक्सीडेंट के बाद थार के ड्राइवर को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया है और अभी यह कस्टडी में है। उम्मीद करते हैं इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। हालांकि यहाँ पर भी फैमिली को डर है कि यह आराम से छूट कर निकल जाएगा, क्योंकि ये भी किसी बड़े घर का ही लड़का है और इन लोगों को अलग तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है, और इस तरह के एक्सीडेंट के बाद ये आराम से जेल से बाहर भी निकल आते हैं, तो इन लोगों पर नियम कानून सही तरह से लागू नहीं होता। लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं पुलिस इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। अगर इन्होंने गलती की है तो इनको सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी बिल्कुल ऐसा ही एक और एक्सीडेंट रिसेंटली मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आया है जिसे कुछ व्यूअर्स ने शेयर किया है। ये एक्सीडेंट भी रात के समय हुआ है और ये BMW सेडान और एक स्कूटी के बीच में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक रात के करीब 11:30 बजे के आसपास स्कूटी से दो लड़कियां वापस अपने घर की तरफ लौट रही थीं। तभी सामने रॉन्ग साइड से हाई स्पीड में एक BMW सेडान आती है और इन लोगों को सामने से टक्कर मार देती है। ये टक्कर इतना ज़्यादा भयानक होता है कि स्कूटी पर बैठी लड़कियां कई फिट ऊपर हवा में उछल जाती हैं और उसके बाद सड़क पर गिरती हैं। इस एक्सीडेंट का बाकायदा CCTV फुटेज भी है, हालांकि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने की वजह से उसे यहाँ पर शो नहीं किया जा सकता है। आप ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पर उसे देख सकते हैं, लेकिन फिर भी फोटोज़ को देखकर आपको चीज़ें काफ़ी हद तक समझ में आ रही होंगी। ये सिटी के अंदर वाला एक 4-लेन रोड है जिस पर एक तरफ से गाड़ियां जाती हैं और दूसरे तरफ से गाड़ियां आती हैं, लेकिन BMW का ड्राइवर इतने ज़्यादा जल्दी में था कि इसने अपने गाड़ी को रॉन्ग साइड में घुसा दिया है। ऐसा बताया जा रहा कि एक्सीडेंट के रात में ही BMW ड्राइवर के फ्रेंड का जन्मदिन था और इन भाई को केक पहुंचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था, इसलिए इन्होंने शॉर्टकट मारा और रॉन्ग साइड में अपनी गाड़ी को घुसा दिया। और रॉन्ग साइड में तो छोड़िए, ये गाड़ी को 100 किलोमीटर पर आर से भी ऊपर के रफ्तार में चला रहे थे, जो CCTV फुटेज में क्लियरली दिख रहा है। और यही रीज़न था कि स्कूटी राइडर को रिएक्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और यह एक्सीडेंट हो गया। जैसा कि मैंने बताया कि यह एक्सीडेंट काफ़ी ज़बरदस्त हुआ और दोनों ही लड़कियाँ काफ़ी ऊपर तक हवा में उछल कर सड़क पर गिरी हैं, और इसी वजह से अनफॉर्चुनेटली इन दोनों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई।
वहीं BMW का ड्राइवर गाड़ी लेकर स्पॉट से फरार हो गया था। हालांकि बाद में इसे अरेस्ट कर लिया गया है। बाकी एक्सीडेंट के बाद गाड़ियों की फोटोज आप देख सकते हैं। डायरेक्ट इंपैक्ट से BMW का लेफ्ट साइड काफी हद तक खत्म हो गया है। इसका बम्पर टूट गया, बोनेट मुड़ गया और विंडशील्ड भी पूरा टूट गया है। दूसरी तरफ स्कूटी भी पूरी तहस नहस हो गई है। तो इस चीज को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गाड़ियां कितने ज्यादा तेज रफ्तार में लड़ी हैं। ऐसा बताया जा रहा कि स्कूटी राइडर के फादर की लास्ट ईयर डेथ हो गई थी, जिसके बाद ये इंदौर में जॉब करके अपने घर का खर्चा चला रही थी। अब इनके साथ ही ये हो गया तो आप सोच सकते हैं इनके फैमिली पर क्या बीत रही होगी। हालांकि ये चीज़ें ऐसे रैश ड्राइवर्स नहीं समझते हैं। इनको सिर्फ हाई स्पीड में गाड़ी चलानी होती है और नियम कानून तोड़ना होता है। बाकी इससे किसी की जान जा रही है या पूरा परिवार तबाह हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और भाई आपने देखा होगा, रॉन्ग साइड कुछ ज़्यादा ही आम होता जा रहा है इंडिया में। समय के साथ साथ जो चीज़ें सही होनी चाहिए वो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इन जैसे लोगों पर कभी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता है। रॉन्ग साइड ड्राइविंग को एकदम ही आम बना दिया गया है, लेकिन यहाँ पर चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। अभी ये एक्सीडेंट हुआ है तो रॉन्ग साइड का मुद्दा उठेगा और 2-4 दिन तक चलेगा। उसके बाद फिर से सब वैसा ही हो जाएगा और लोग फिर अपनी गाड़ियाँ लेकर रॉन्ग साइड में चलने लगेंगे। तो परमानेंटली कोई चीज़ें यहाँ पर नहीं होती हैं। खैर, यहाँ पर ड्राइवर ने जो किया है वो बहुत ही गलत है और उम्मीद करते हैं इन पर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। बाकी आपका इन दोनों एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।